related to the test and infection for your lordship. जी क्या हुआ? आ गई लॉर्डशिप, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आ गई लॉर्डशिप। उसमें क्या हुआ? उसमें दो लोगों ने शिनाख्तियां की थी, एक देवीदास और देवीदास साहू और दूसरा विक्रम साहू, विक्रम यादव। लॉर्डशिप, कमलेश माहर को विक्रम यादव ने आइडेंटिफाई किया है। लॉर्डशिप, ये दोनों ने अपने जो स्वरूप है उस समय घटनाक्रम के समय जो उनके स्वरूप थे वो चेंजेस हो गए। एक्चुअली इन्होंने सिर मुंडवा लिया और फिर शेव वगैरह पूरी करवा ली। थाने में थे, थाने में दो एक्यूज लॉर्डशिप जेल में है। जेल में सर अपने आप मुड़वा लेंगे ये? अब लॉर्डशिप, ये जो इन्फॉर्मेशन आज सुबह मेरे को प्राप्त हुई उसके आधार पर बता रहा हूँ। इसलिए उन्होंने जो आईओ ने बताया कि इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, पर एक को आइडेंटिफाई किया उसने, कमलेश को जो है आइडेंटिफाई किया। कमलेश ने नहीं मुड़वाया क्या? ये जो आपके अधिकारी आपको ये सब कहानी सुनाते हैं और आप मान भी जाते हैं बिल्कुल। लॉर्डशिप, मैं जस्ट असिस्ट द कोर्ट। नहीं नहीं नहीं, ये पूछ रहे हैं कि कमलेश के बाल कटे हुए थे कि नहीं कटे थे? ये लॉर्डशिप, कमलेश ने डायरेक्ट सरेंडर किया था लॉर्डशिप कोर्ट में, और कोर्ट के बाद वहां से उसको जेआर नहीं मिला, तो फिर अभी जुडिशियल रिमांड बाद में मिल रही लॉर्डशिप अभी। ठीक है, वो तो ठीक है, सरेंडर किया था। अंकित भी सरेंडर हुआ था, पर उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई थी तो डायरेक्ट ले लिया था उसको। ये अंकित और कमलेश दोनों ने सरेंडर किया था लॉर्डशिप कोर्ट में। ये अंकित की तो ले लीजिए बेल, इसको तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। मालूम कांडी से पेज नंबर 10 वालों, पेज नंबर 7। ये डायरी व रिमांड पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक ने अभियुक्त एवं पेज नंबर 7 पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 10 लास्ट पैरा। पेज डायरी व रिमांड पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है, मुझे मिला नहीं इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं आप। पेज नंबर 10 आपका ऑर्डर शीट नंबर फाइल कोर्ट जी लास्ट पैरा। केस डायरी व रिमांड पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक अनुकरण एवं अन्य सहायक के विरुद्ध थाना राजेंद्र ग्राम द्वारा अपराध क्रमांक 67/22 अंतर्गत धारा 395 374 भारतीय दंड संहिता एवं 25B ऑफ एक्ट पंजीबद्ध किया गया है। केस डायरी के साथ प्रस्तुत कैफियत से दर्शित होता है कि अभियुक्त अंकित दिनांक 22/6/2022 को JMFC न्यायालय राजेंद्र ग्राम में समर्पण किया था, जिसे न्यायालय की अनुमति से गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में लिया गया और अभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने तथा फरियादी बिलासपुर राज्य का होने से अभी अंकित के शिनाख्त परेड नहीं कराई गई एवं प्रस्तुत कैफियत के अनुसार अभी कमलेश मेहरा दिनांक 20/6/2022 को JMFT न्यायालय राजीव ग्राम में समर्पित किया था, जिसका जेल वारंट तैयार कर जिला जेल अनुपर भेज दिया गया। अभियुक्त से घटना के संबंध कोई पूछताछ नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त की गिरफ्तारी या उससे कोई जब्त की कार्रवाई की जा सकी है। अभियोजन का तर्क है कि अभी पंचायती चुनाव चल रहे हैं, जिसके कारण पुलिस बल चुनाव में व्यस्त है। चुनाव संपन्न होने की शिनाख्ती कार्रवाई कर ली जाएगी और यदि शिनाख्ती कार्रवाई नहीं हुई तो अभियोजन का संपूर्ण मान निरस्त हो जाएगा। घटनागत घटना लूट से संबंधित है और इसमें पूर्व में भी सहयोग की शिनाख्ती आहत पक्ष से कराई गई है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट। अभियुक्त दूसरे एक्यूज की कराई गई है। दे आर ओन जेल मोड, बोथ द पर्सन ऑलरेडी, जब वो जो पहले अरेस्ट हो गया उसकी शिनाख्ती हो गई, फिर आपने सरेंडर किया, आपकी शिनाख्ती इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहे थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फ्री नहीं थे, पुलिस फ्री नहीं थी, जब हुई तो आपकी शिनाख्ती हो गई, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। क्रिमिनल रिकॉर्ड पिछली बार बताया था इन्होंने, अंकित का नहीं लॉर्डशिप, कमलेश का, कमलेश के लिए तो साथ खड़े हुए हैं, कमलेश का है। Identification the doubtful one because of that this identification was held by the prosecution after 4 months. ठीक है, डेट बता दें कि कब आइडेंटिफाई कर आए, डेट बता देंगे तो आइडेंटिफिकेशन का मेमो होगा उनके पास, मेमो है उनके पास। तो लॉर्डशिप, उसमें डिले इसलिए हुआ कि जो फरियादी थे वो ट्रक ड्राइवर थे, तो वो ट्रक चलाने के लिए बाहर गए थे, दो बार माननीय न्यायालय समय भी इसलिए लिया गया है उसमें। यस लॉर्डशिप, और ये लॉर्डशिप 18/8 को हुई है, 18/8 जी, आफ्टर 2 मंथ। हाँ ठीक है, कारण दिया हुआ है, फर्स्ट बिल अंडर सेक्शन 439 श्री आदित्य नारायण गुप्ता एडमिट्स दैट दिस
अंकित से जो है वो जो त्रिपाल है वो जब्ती है दो त्रिपाल हैज बीन सीज्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अंकित देयर इज नो क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द एप्लीकेंट ठीक है 50,000 टू श्योरिटीज इसका लिखिए कमलेश का ट्रेस फॉर विड्रॉल आर्ग्यूइंग एट लेंथ व्हेन इनफॉर्मड दैट ही हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द टीआईपी ट्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन